गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। क्या बता सकते हैं पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था? पिछली क्लास में आपने टेक्स्ट टूल, ड्राइंग टूल बार और स्लाइड पेन, स्लाइड लेआउट के बारे में सीखा था। अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से इंप्रेस की फाइल को ओपन करें। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे। आज जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है। आज आप फॉर्मेटिंग टूल बार के सभी ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर इत्यादि का उपयोग करेंगे। और इसके साथ में फाइल मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि ओपन, न्यू, सेव, सेव एज और रिसेंट डॉक्यूमेंट और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के साथ और प्रिंट के बारे में सीखेंगे। अब आप सामने दिए गए पैराग्राफ को ब्लैंक स्लाइड में टाइप करें। क्या आपने पैराग्राफ को टाइप कर लिया है? अब आप फॉर्मेटिंग बार के एक-एक ऑप्शन को लाइन पर फॉर्मेटिंग करके दिखाएंगे। अब आप पहली लाइन का राइटिंग चेंज करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए अब फॉन्ट नेम का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं, फॉन्ट नेम से हम अपने टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप अपने लाइन को किसी भी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, टच पैड से, माउस से या कीबोर्ड के द्वारा। लाइन को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, फिर अपने पॉइंटर को फॉन्ट नेम पे लेके जाएं। यहाँ पे ड्रॉपडाउन बटन है, वहां पे क्लिक कर दें तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग प्रकार की फॉन्ट स्टाइल दिखाई दे रहे होंगे। जब आप यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की आपको फॉन्ट नेम दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद है उस फॉन्ट नेम को आप सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही आप फॉन्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, वो फॉन्ट नेम आपकी लाइन पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट नेम का उपयोग कर सकते हैं। अब आप दूसरी लाइन की साइज को बड़ा करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन को सेलेक्ट किया, आप भी अपने लाइन को सेलेक्ट करें जिस लाइन को आपको फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करना है। फिर फॉन्ट साइज लिखे ऑप्शन पर अपने कर्सर को ले जाएं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, वहां पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी नंबर्स आ जाएंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर ये स्क्रोल बार है, इससे आप नंबर को कम ज्यादा करके देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। जो भी नंबर आपको चाहिए, जितने भी साइज आपको चाहिए, उस साइज को सेलेक्ट करें, वो साइज आपके लाइन पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट साइज का उपयोग करना सीखें। अब आप तीसरी लाइन को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। क्योंकि हमें बोल्ड करना है, इसीलिए अपने पॉइंटर को बी लिखे ऑप्शन पर लेके जाएं और वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें, जिससे आपकी लाइन बोल्ड हो जाएगी, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हमें इटैलिक करना है, इसके लिए लाइन को सेलेक्ट करेंगे और अपने कर्सर को आई लिखे ऑप्शन पर ले जाएंगे और उस पर लेफ्ट बटन दबा देंगे, जिससे आपकी लाइन इटैलिक हो जाएगी। इस प्रकार से आप इटैलिक कर सकते हैं, वीडियो में देख जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
अब इसी लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के लिए पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर यू लिखे ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेके जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उस पर लेफ्ट बटन को दबा दें। अब आपकी लाइन अंडरलाइन हो गई होगी। अब आइए सीखते हैं कि अंडरलाइन को हटाते कैसे हैं। जो आपने फॉर्मेटिंग की है अंडरलाइन इटैलिक बोल्ड, अब इसको हटाना सीखते हैं। पहले लाइन को सेलेक्ट करें, फिर वापस यू लिखे ऑप्शन पर क्लिक कर दें, अंडरलाइन हट जाएगी। फिर आई लिखे ऑप्शन पर क्लिक करें तो इटैलिक हट जाएगी। फिर बी लिखे ऑप्शन पर क्लिक करें तो बोल्ड, जो बोल्ड किया था वो हट जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। अब फोर्थ लाइन का फॉन्ट कलर चेंज करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से कलर चेंज करके दिखाएं, क्योंकि अब हमें फॉन्ट कलर करना है। लाइन पे हम कलर करने के लिए सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सेलेक्ट किया, फिर आप देख सकते हैं ए लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को लेके गए, वहां पे क्लिक किया तो कलर बॉक्स ओपन हो गया। आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर को सेलेक्ट करें और लेफ्ट बटन दबा दें, वह कलर आपकी लाइन पे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट कलर कर सकते हैं। क्या आपने फॉर्मेटिंग में सभी ऑप्शन को लगा लिया है? आइए अब फाइल मेन्यू के बारे में सीखना शुरू करते हैं। आइए वीडियो को देख के फाइल सेव करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर फाइल को सेव करना सीखते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके जाना है, वहां पे लेफ्ट बटन दबा देंगे जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव करना है तो सेव लिखे हुए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव लिखे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें अपनी फाइल को कहां पे सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है। आप जिस लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहते हैं एड्रेस बार में से उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि डेस्कटॉप पे करना है तो हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेव सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया है, फिर जहां पे फाइल नेम लिखा हुआ है अपने कर्सर को वहां पे ले गए, अपने पॉइंटर को वहां पे रखा और लेफ्ट बटन दबा दिया। और फिर जिस नाम से हमें अपनी फाइल को सेव करनी है वो नाम हमने यहाँ पे टाइप किया, जैसे कि मुझे इम्प्रेस के नाम से इस फाइल को सेव करना है तो मैंने यहाँ पे इम्प्रेस लिखा और फिर जाके सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया इसे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। आप टाइटल बार में देख सकते हैं वो नाम यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। हमने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था इसीलिए हमारी फाइल डेस्कटॉप पे आ गई, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यू ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? न्यू से आप नए पेज को ले सकते हैं, न्यू से एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे लेते हैं। आइए अब न्यू फाइल को लेना सीखें। जैसे कि आपको पता है न्यू फाइल से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें, आपकी फाइल तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगी जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को न्यू पे लेके जाएं, फिर एक दूसरी बॉक्स आ जाएगी। हमें प्रेजेंटेशन की फाइल चाहिए इसलिए अपने पॉइंटर को प्रेजेंटेशन पे लेके जाएं और फिर वहां पे क्लिक कर दें, जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगी। फिर क्रिएट पे क्लिक कर दें, आपकी एक नई इम्प्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
अब अपने पॉइंटर को टास्क बार में लेके जाएं, जहां पे इंप्रेस का सिंबल बना हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको दो फाइल दिखाई देगी, एक जिस पर आप पहले से काम कर रहे थे और दूसरी जो आपने न्यू फाइल ली है। क्योंकि हमें न्यू फाइल नहीं चाहिए इसीलिए इसे क्लोज कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। तो आप इस प्रकार से नई फाइल को ले सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर फाइल को ओपन करना सीखें। आइए अब सीखते हैं किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंटर फाइल मेन्यू पे लेके जाएं, फिर ओपन पे क्लिक कर दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको कहाँ से फाइल लेनी है, किस लोकेशन से फाइल आपको लेनी है, तो आप उस लोकेशन को चूज कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको कई फाइल दिखाई दे रही होंगी। जिस फाइल को लेनी है उस फाइल को सिलेक्ट कर ले जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे हमने क्लास 2 इमेज को सिलेक्ट किया और फिर ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया तो एक दूसरी फाइल यहाँ ओपन हो गई जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर इस फाइल को क्लोज कर दें। तो इस प्रकार से आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप उन फाइल्स को देख सकते हैं जो रिसेंटली या हाल में ही उस पर काम किया गया हो और उसको सेव करके क्लोज की गई हो। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से रिसेंट डॉक्यूमेंट का उपयोग करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर जैसे ही अपने कर्सर को या पॉइंटर को रिसेंट डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे आपको सारी फाइलें दिखाई देंगी जो पहले से उस पर काम किया गया था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10 फाइलें दिखाई दे रही होंगी। आप इनमें से किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है हमने किसी एक फाइल पे क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो गई। इस प्रकार से हम रिसेंट डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब सेव एज के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं सेव एज के उपयोग क्यों करते हैं? सेव एज की मदद से आप अपनी सेव की गई फाइल को दूसरे नाम और दूसरी जगह पर सेव कर सकते हैं। और आप सेव एज की मदद से यह भी सीख सकते हैं कि आपकी फाइल किस जगह पर सेव है। अब आप अपनी सेव की गई फाइल को सेव एज के ऑप्शन की मदद से दूसरे नेम और दूसरी जगह पर सेव करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सेव एज का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं सेव एज से हम सेव की हुई फाइल को उसके लोकेशन को हम बदल सकते हैं और उसके नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर सेव एज लिखे ऑप्शन पे लेफ्ट बटन दबा दें, एक बॉक्स आ जाएगा। क्योंकि मुझे इस फाइल का नाम नहीं बदलना, सिर्फ इसकी लोकेशन बदलना है, इसीलिए मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर दूंगा। पहले फाइल डेस्कटॉप पे सेव थी, अब मुझे इसका लोकेशन डॉक्यूमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और फिर इसको मैं एज इट इज ऐसे ही बिना फाइल नेम बदले सेव पे क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरी फाइल की लोकेशन बदल जाएगी लेकिन फाइल का नाम वही रहेगा। इस प्रकार से आप सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से क्या होता है और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे फॉर्मेट में बदल सकते हैं जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। पीडीएफ की फाइल कन्वर्ट होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यह सिर्फ रीड करने के काम आता है। पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट होने के बाद आपकी फाइल सुरक्षित हो जाती है। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग कैसे करते हैं।
आइए वीडियो की मदद से पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करना सीखें। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके आए, वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें। लेफ्ट बटन दबाने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ लिखे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जिससे एक फिर से बॉक्स ओपन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। तो इससे एक फिर से बॉक्स ओपन हो जाएगी। अब आपको फाइल कहां पे सेव करना है आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको अपनी फाइल सेव करना है। आप अपने लोकेशन को एड्रेस बार से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन चेंज नहीं करना, फाइल नेम देके सेव पे क्लिक कर दें जिससे आपकी फाइल पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। पीडीएफ की फाइल को देखने के लिए फाइल को क्लोज करें, क्योंकि हमने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था इसीलिए फाइल जो हमारी फाइल है वो डेस्कटॉप पर आ गई है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हमने पीडीएफ की फाइल पर डबल क्लिक किया और हमारी फाइल ओपन हो गई। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी अब पीडीएफ की फाइल में बन चुकी है। इस प्रकार से आप किसी भी फाइल को पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब प्रिंट ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं कि प्रिंट से क्या होता है? प्रिंट से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट के द्वारा आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसे पेज के फॉर्मेट में ला सकते हैं। प्रिंट से आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि प्रिंट का उपयोग कैसे करते हैं। आइए अब प्रिंट का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके आए, लेफ्ट बटन दबा दें वहां पे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर अपने पॉइंटर को प्रिंट पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें तो एक बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है ये आपको वह पेज है जिस पेज को आप प्रिंट कराना चाहते हैं या जो पेज आपका सिलेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का ऑप्शन सिलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरल का ऑप्शन सिलेक्ट है। इससे क्या होता है आपका जितना प्रिंटर इससे अटैच है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एचपी लेजर, एचपी ओपन ऑफिस जेट, ये अलग अलग प्रकार के प्रिंटर नेम है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अटैच है। आपको जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट देना है आप उस प्रिंटर को पहले सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड्स का ऑप्शन लिखा हुआ है। आपको कितने स्लाइड का प्रिंट देना है, कितनी रेंज में आपको प्रिंट देना है, जैसे कि यहाँ पे 1 से 2 हमने मेंशन कर दिया। आपको कितनी कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक चाहिए तो एक रहने दें, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से बटन से, यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं उससे आप नंबर ऑफ कॉपीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों को प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एग्जिट का है। क्या आप जानते हैं कि एग्जिट से क्या होता है? एग्जिट से आप अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं, अपने फाइल से बाहर निकल सकते हैं। अब आप एग्जिट ऑप्शन के द्वारा अपने फाइल को क्लोज करके दिखाएं। आइए अब एग्जिट का उपयोग करना सीखें। एग्जिट से हम अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर अपने पॉइंटर को एग्जिट ऑप्शन पर लेके जाएं, वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, वो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, सेव, डिस्कार्ड, कैंसिल। डिस्कार्ड पे क्लिक करते ही आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम फिर से डेस्कटॉप पर सेव की हुई फाइल को ओपन करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है।
हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, क्योंकि अब इस फाइल को क्लोज करनी है, इसीलिए अपने पॉइंटर को क्लोज बटन पर लेके जाएंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाएंगे, सेव, डिस्कार्ड, कैंसिल। डिस्कार्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना, इसलिए हमने डिस्कार्ड पे क्लिक किया। जैसे ही डिस्कार्ड पे क्लिक किया, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की कक्षा में आपने फॉर्मेटिंग टूल बार के सभी ऑप्शन का उपयोग किया, जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर इत्यादि का उपयोग किया, और इसके साथ में फाइल मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, रीसेंट डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ और प्रिंट के बारे में सीखा।